आज आपके लिए बटर चिकन की रेसिपी बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट एंड शेयर। अभी हमने ये लिया है 1 किलो चिकन, डेढ़ चम्मच नमक, 1 चम्मच सूखी मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच जीरा सीड, उसके बाद लेंगे 1 से 2 चम्मच गार्लिक पाउडर, 1/2 चम्मच मिंट, 1/2 चम्मच पार्सली। इसमें डालेंगे तो करीबन 3 से 4 टेबल स्पून उसके सिरका, 2 टेबल स्पून इसके अब इसको कर लेना है मैरिनेट। मैरिनेट करने के बाद करने के बाद आप तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको रख के आराम से चिकन को ग्रिल करेंगे। क्योंकि बटर चिकन बनाने के लिए हमें तंदूरी चिकन की होती है। आप इसको पैन में फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको तंदूरी चिकन करके डाला जाए, तंदूरी चिकन डाला जाए बटर चिकन में, तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बेहतर के लिए इसके पास तकरीबन पैन में 2 सर्विंग स्पून डाल लें, ताकि आप इसको गर्म हो जाए। तो उसमें ऑनियन डाल लें आपको, प्याज डालें, प्याज को ब्राउन होने के लिए छोड़ दें। वैसे तो बटर चिकन में ऑनियन लोग कम ही डालते हैं, लेकिन मैंने एक प्याज सी सिर्फ इसलिए डाला कि इसका थोड़ा सा जो तंदर चिकन तंदूरी होगा तो उसके साथ फिर अगर ब्राउन ऑनियन होगा तो साथ उसको कम हो जाए। ये मैंने आज थोड़ा अपनी इस रेसिपी को बदला है, बदल कर बना तो ठीक करके इसका थोड़ा सा देखना चाह रहा हूँ इसका टेस्ट जो है ना दूसरे नॉर्मल बटर सिटी में बनाता हूँ उसके मुकाबले में ये कैसा
करने के बाद हम इसमें डालेंगे दो से तीन टेबल स्पून बटर के बारे में मक्खन के और इसमें एक तीन टी स्पून गार्लिक और जीजे पाउडर लहसुन पाउडर अदरक के इसको सही तरह से काटते हैं चार से पाँच हरी मिर्च डालेंगे और तीन चम्मच काली मिर्च की आधी चम्मच धनिया और आधी चम्मच गरम मसाला अब इसमें डालें एक कैन टमाटर प्यूरी का अच्छी तरह से उसको काम लो मिक्स हो जाता है मिक्स हो पाते हैं मेरे पूरी को अब इसके अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लें इसमें बटर के अंदर का के जो चम्मच बोलने लगे इसकी आँच को थोड़ा सा हल्का करें ये देखो डाल दें अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेश क्रीम की एक बोतल नॉर्मली जो है हम इसमें वो डाल देने के लिए हम कुछ शुरू में भी डाल सकते हैं जब हम टमाटर डालते हैं अगर आपने ऑनियन नहीं डालना हो इसमें प्याज का इस्तेमाल ना करना हो तो आप
मलाई को मक्खन के साथ पका सकते हैं, उसमें ये होता है कि सिर्फ प्योरी होती है, तो प्योरी के लिए ना आप मक्खन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, पका सकते हैं। लेकिन अभी हमें प्याज उसमें पकाना था, उसको थोड़ा सा चिकन इसलिए पहले डाल दिया कि उसको जो ना चिकन जरा मिक्स हो जाए बटर में। उसके बाद अभी हम मलाई थोड़ा इसके अंदर अच्छी तरह पका लेंगे, जितना ज़्यादा पकेगा उतना इसके जो ना मलाई का अच्छा आएगा, अच्छा बनता जाएगा। छोड़े 5 मिनट के लिए शक्ल से तो अच्छा दिखाई दे रहा है। ये अब तैयार हो गया आपका बटर चिकन, चूल्हे को बंद कर दीजिए। इस प्लेट में थोड़ा धनिया डाल दीजिए। ये आपका बटर चिकन तैयार हो चुका है।